गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो इस बार हम एक यूआई डिज़ाइन क्रिएट करेंगे पहले की तरह, और उसका जो सब्जेक्ट है वो आपका एक कैब यूआई ऐप डिज़ाइन होगा। तो इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा बैठा है हमारा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड इंटरेस्टिंग है बहुत। एंड तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप अपना पर्सनल यूआई डिज़ाइन इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं स्टार्ट। तो गाइस हम जो है आईफोन 14 प्रो का फ्रेम ले लेंगे और उसके ऊपर हम टॉप बार बनाएंगे जिसका कलर होगा ब्लैक, और इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे। अब जो है हम इफ़ेक्ट में जाके शेडो डाल देंगे जो हमारी फ्रेम है उसमें, ताकि फ्रेम हमारे को विजिबल हो जाए। और ऐसा करते हैं, शेडो की जगह हम बैकग्राउंड को थोड़ा डार्क कर देते हैं, तब फ्रेम विजिबल हो जाएगी। और अब जो है हमने जो टॉप बार था उसका भी हमने स्मूथ कर दिया है। अब नीचे का हम बॉटम बार बना रहे हैं और उसका कलर भी हमने ब्लैक रखा है, इसको सेंटर लाइन कर दिया है। अब हम कलर फिल करेंगे अपने फ्रेम में जो लीनियर होगा। फर्स्ट कलर होगा जो होगा 26294C, और सेकंड कलर जो होगा वो होगा आपका 2F315B 100%। तो ये आपका थीम है इस कलर का। तो जो नीचे का कलर था उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ड्रैग कर देंगे और टिल्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कलर सेट हो गया। अब हमने रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल क्रिएट करा जिसकी वर्थ है 390 और हाइट होगी 620, एंड इसको सेंटर लाइन कर देंगे और इसके जो कॉर्नर रेडियस है मतलब कि जो एजेज है उसको 30 रखेंगे। अब हम डबल क्लिक करेंगे इसके टॉप उस पर और वहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि मैंने कैसे क्रिएट कराई। अब हम जो है इलिप्स टूल लेंगे और इसका हम 54 विड्थ रखेंगे और 54 ही हाइट रहेगी। कलर हम फिलहाल के लिए हम रेड डाल देंगे। हमने इसमें बस शेप में एडजस्टमेंट करी है ताकि हमारा स्टाइल जो है एकदम एक्यूरेट बैठे। अब हमने जो अंदर का हमने शेप क्रिएट करा था इसमें भी हम अपना कलर डालेंगे। तो इसके लिए मैंने जो स्लाइडर है इनको हॉरिजॉन्टल में लिया है, और जो फर्स्ट कलर होगा वो होगा आपका 252A4D, और मैं तीसरा स्लाइडर भी ले आया हूँ जिसका कलर होगा आपका 404177 100%। ओके, और लास्ट कलर आपका सेम रहेगा। अब हम जो है इसमें स्ट्रोक फिल करेंगे। ओके, स्ट्रोक जो होगी वो भी आपकी हॉरिजॉन्टली होगी, और इधर हम 4 स्ट्रोक डालेंगे, 4 नहीं मतलब 5 स्ट्रोक डालेंगे जो सेंटर में होगी, मतलब सारे स्ट्रोक का कलर जो होगा वाइट होगा। तो हम वाइट में शिफ्ट कर देंगे सारे स्ट्रोक्स के कलर को, और जो ओपेसिटी है उसके साथ हम थोड़ा सा गेम प्ले करेंगे। तो फर्स्ट में मैंने 30 रखी, सेकंड में मैंने 40 रखी, और थर्ड में मैंने 30 रखी, और लास्ट में मैंने 0% ओपेसिटी रखी स्ट्रोक की। अब हम शेडो डालेंगे इसमें, वाई एक्सिस पे -1 रहेगी और ब्लर में 1 रहेगी, और कलर्स ब्लैक रहेगा 25%, और जो इसका ब्लेंडिंग मोड है वो होगी आपकी ओवरले। अब हम प्लगइन में जाके अपने आइकन्स को डाउनलोड कर लेंगे। तो जो नॉर्मल आइकन्स होते हैं उन्हीं को हम लाएंगे। तो ये आ चुके आइकन्स, अब इनको हम प्लेस कर देंगे प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ। टॉप लेफ्ट पे आपका टाइम आ जाएगा जिसका साइज रहेगा सेमी बोल्ड पे, और मतलब स्टाइल सेमी बोल्ड और साइज रहेगा 18, को हम अलाइन कर देंगे परफेक्टली। अब जो है हम अपने ऐड का साइन डाउनलोड कर लेंगे जो हमारा रेड बटन है उसके लिए, और साथ में शिवरॉन बटन भी, मतलब शिवरॉन लेफ्ट का आइकन भी हम डाउनलोड कर लेंगे, और उसके साथ साथ हम अपने प्रोफाइल आइकन भी डाउनलोड कर लेंगे। तो इनको हम प्लेस कर देंगे प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ। तो हम इन दोनों आइकन्स को ऑटो लेआउट
पे सेट कर देंगे, और 5 इंच की हाइट रहेगी, 5 इंच की विड्थ रहेगी। एंड हम जो है रेड बटन का कलर चेंज करेंगे, फर्स्ट कलर जो रहेगा वो रहेगा आपका 303155 100%, एंड सेकंड कलर जो रहेगा वो रहेगा आपका 5A5B9E 100%। अब हम सेकंड इलिप्स को क्रिएट करेंगे उसी सर्कल के अंदर, तो इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे और इसका हम कलर चेंज करेंगे लीनियर पे। फर्स्ट कलर जो है 6366AC 100%, एंड सेकंड कलर जो रहेगा वो रहेगा आपका 333461 100%, और प्लस का साइन हम फ्रंट पे ले आएंगे। अब हम जो है स्ट्रोक चेंज करेंगे, स्ट्रोक का जो सेकंड कलर है वो वाइट रहेगा आपका 20%, और इनसाइड में 0.5 रहेगा, और ओवरले पे सेट कर देंगे इसका ब्लेंडिंग मोड, तो ये स्ट्रोक आपका आ गया। अब जो इनर स्ट्रोक है, इनर सर्कल का स्ट्रोक है, उसमें फर्स्ट कलर वाइट रहेगा और सेकंड कलर ब्लैक रहेगा, और वही 20% रहेगा, और ओवरले पे जाएगा ब्लेंडिंग मोड। ओके, अब हम जो है अपनी फाइल से मैप इधर ले आएंगे फिग्मा में, और इसको हम प्लेस कर देंगे। ये सिंपल लाइन है, आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं मैप को, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये मैंने डाउनलोड कर लिया था गूगल से, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे रेफरेंस के तौर पे। तो इसके लिए हम जो इसकी लेयर है इसको हम नीचे ले आएंगे, और डुप्लीकेट कर दिया हमने, और इसका नाम हम रख देंगे मास्क। तीनों को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप कर देंगे, और जो मास्क वाली लेयर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यूज एज मास्क कर देंगे, तो ये आपका जो है अंदर चल जाएगा मैप। अब जो है हम एक इलिप्स लेंगे, और इसकी विड्थ 15 रहेगी, हाइट भी 15 रहेगी। ओके, और इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं OBD BFB 100%, और इसका स्ट्रोक वाइट है। इसका हमने डुप्लीकेट कर दिया, और इसकी विड्थ है 22 हाइट है, और इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे, और ओपेसिटी इसकी थोड़ी कम करेंगे, तो 40% रखेंगे ओपेसिटी। अब हम इसका बैकग्राउंड ब्लर रख देंगे 10%। अब जो है एक और डुप्लीकेट लेंगे इसका, और इसका साइज रहेगा 44 एंड 44 हाइट, इसको भी हम सेंटर लाइन कर देंगे और सबसे नीचे ले आएंगे लेयर पे। इन सब की इसका जो फिल रहेगा वो रहेगा 10%, और स्ट्रोक हमने दो का हटा दिया, और जो सबसे छोटा उसका स्ट्रोक रखा है हमने, और इसको हम प्लेस कर देंगे जहाँ पे भी आपको रखना है इसको अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और अपना कुछ भी टाइप कर देंगे इसमें, मैंने होम लिखा है। और इसका साइज सेमी बोल्ड है स्टाइल, और साइज इसका 15 है सिंपल। दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे और ऑटो लेआउट कर देंगे, ऑटो लेआउट से आपकी जो डिस्टेंस है वो 0 रख देंगे, और इसका जो बैकग्राउंड फिल है वो हम रखेंगे 30%, और कॉर्नर रेडियस जो रहेगा वो आपका 30%, और स्ट्रोक हम वाइट डालेंगे, शेडो भी डालेंगे 30Y, एंड ब्लर रहेगा वो 30%, 25% जो है ब्लैक कलर का रहेगा, और 10% जो है हम इसका फिल रखेंगे। ओके, इनको हम प्लेस कर देंगे, और सबको सिलेक्ट करके हम इसका डुप्लीकेट कर देंगे। ओके, और डुप्लीकेट करने के बाद हम जो है नेम चेंज कर देंगे, तो मैंने अपने एरिया का नाम रखा है इधर का पंजाबी बाग, और इसका हम अलग डायरेक्शन में भी शिफ्ट कर सकते हैं जो हमने पॉइंट बनाया है, तो इसको हम एकदम सही जगह पे प्लेस कर देंगे। और पेन टूल से जो है हम डायरेक्शन की लाइंस क्रिएट कर लेंगे, और डायरेक्शन की लाइंस क्रिएट कर दी हमने, और जो इसकी स्ट्रोक की जो ओपेसिटी है वो हम मतलब फिल जो है हम रेडार का ही रखेंगे सिंपल नियॉन कलर, और इसकी जो सेंटर का स्ट्रोक हम मतलब 2 रखेंगे, और कर्व भी दे दिया हमने। अब जो है हम शेप टूल से मतलब रेक्टेंगल टूल से एक और हम रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी विड्थ रहेगी हाइट रहेगी 320 और विड्थ रहेगी 390, और सेंटर लाइन है, और थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देंगे इसको, और कॉर्नर रेडियस दे देंगे इसका 30, और इसमें लीनियर फिल भरेंगे। फर्स्ट कलर जो रहेगा वो है आपका CED2E9 100%, एंड सेकेंड कलर जो रहेगा वो है आपका BOB9E5, वो भी रहेगा आपका 100%।
और लीनियर जो है एक और लीनियर जाएगा इसमें, और इसका कलर हम रखेंगे फर्स्ट कलर BOB9E5 100%, एंड सेकंड कलर रहेगा वो है आपका C6CCE9 100%, और स्ट्रोक डाल देंगे हम वाइट फर्स्ट कलर, एंड सेकंड कलर जो रहेगा वो भी वाइट, और इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे और इसका जो ओवरले पे शिफ्ट कर देंगे, और ओपेसिटी इसकी 50% रहेगी। अब जो है हमने एक और रेक्टेंगल टूल से मतलब क्रिएट करा है मेन्यू बटन, और इसका कलर हम जो है ब्लैक रखेंगे। अब नीचे का भी हम बटन क्रिएट करेंगे लेकिन वो थोड़ा बाद में, अभी बस इसकी शेप दे देते हैं और कॉर्नर रेडियस हमने 30 दे दी, बाकी इसमें कलर और टेक्स्ट हम बाद में डालेंगे। अब जो है हम जो अपने मेन कंपोजिशन पे है उधर हम एक और शेप क्रिएट करेंगे, और इसका जो कॉर्नर रेडियस है वो 4 बार ही आएगा, 30 30 ऊपर का रहेगा और 20 और 20 नीचे का रहेगा। तो इसका जो फिल है वो आप देख सकते हैं, स्ट्रोक भी हम लीनियर डालेंगे, वाइट ऊपर की स्ट्रोक रहेगी मतलब फर्स्ट स्ट्रोक रहेगी 60%, एंड सेकेंड स्ट्रोक जो रहेगी वो भी आपकी वाइट रहेगी 20%। तो ये मैंने इलस्ट्रेशन डाउनलोड करी है गूगल से, मिल जाएगी आपको भी सिंपल। तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, लाइन कर दूंगा, और इसके नीचे टेक्स्ट डाल दूंगा जो हमारे थीम से रिलेटेड है। तो साइज जो रहेगा वो रहेगा 15, एंड बोल्ड स्टाइल है इसका, तो इसको हम सेंटर में ले जाएंगे और इसका डुप्लीकेट कर देंगे जो कि आपका प्राइस बनेगा, तो इसको हम डॉलर में लिख देंगे 10.55 का। हम साइज जो है छोटा कर देंगे, 12 रखेंगे इसका साइज, और ओपेसिटी जो रहेगी वो रहेगी 60%। सबको सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप करेंगे और इसका डुप्लीकेट कर देंगे 3 बार, और सबको हम ऑटो लेआउट में एकदम अलाइन कर देंगे सेंटर में, और गाड़ी हम चेंज करेंगे हम अकॉर्डिंगली, और उसके साथ साथ जो है नाम भी चेंज होगा। ओके, नाम के साथ साथ आपका प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम अपनी तीसरी गाड़ी को भी चेंज कर देंगे और हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देंगे, साथ में नेम चेंज कर देंगे एंड आपका प्राइस भी चेंज कर देंगे। ओके, तो इसका 50 रख दिया हमने। ऊपर हम डाल देंगे चूज अ राइड, और इसका साइज 18 रहेगा, और सबको सेट करेंगे और ऑटो लेआउट से हम एकदम सही कर देंगे इसकी अलाइनमेंट। अब हमने ये लोगो इंपोर्ट करा है और इसको हम प्लेस करेंगे, और हमने 4 सर्कल्स बनाए हैं और इनको हम ऑटो लेआउट से थोड़ा सा बीच का डिस्टेंस हम क्रिएट करेंगे, 2 रखेंगे हम इनका डिस्टेंस, और अपना हम टाइप कर देंगे नंबर। इसका साइज हम 15 रखेंगे और सबको हम एकदम अलाइन कर देंगे सेंटर में परफेक्टली, और ये आपका जो लेफ्ट शेयर ऑन बटन है ये हम ले आएंगे और इसको हम हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर देंगे, और इसका जो कलर है उसको हम ब्लैक रखेंगे, और ऑटो लेआउट में इनका डिस्टेंस हम अलाइन करेंगे सब कुछ परफेक्टली, और बैकग्राउंड आपका आ जाएगा जो लेयर हमने कार की वो बैकग्राउंड है उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे स्टाइल इसका, और सेम कलर का आपका वो बन जाएगा लेयर। अब जो है हम नीचे का जो बटन है इसमें कलर डालेंगे, फर्स्ट कलर जो है वो है आपका EOE5FF, एंड सेकंड कलर जो रहेगा वो रहेगा आपका BFC7EC 100%। ओके, इनको हम टिल्ट कर देंगे तो डेप्थ आ जाएगी अच्छी, और ले देंगे बुक नाउ, तो इसको हम सेंटर में अलाइन कर देंगे। तो ये हमारा एक परफेक्ट यूआई डिज़ाइन बन चुका है, तो आप बताना कमेंट करके कि कैसा लगा है यूआई डिज़ाइन आपको ये। तो आज की वीडियो का हम एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तो थैंक यू एंड बाय बाय।